वेलकम टू रोहित नामा एडवांस मैथ्स यूट्यूब चैनल। एचपीएससी ने आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसमें पीजीटी की वैकेंसीज आउट की है उन्होंने। आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि कब ये फॉर्म आ रहे हैं। ये फॉर्म डेट ऑफ पब्लिकेशन, जब ये नोटिफिकेशन जारी हुआ, तो ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है 23 जुलाई को। ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया है गवर्नमेंट ने, और उसमें उन्होंने जो एप्लीकेशन निकल रही है वो कब निकलेंगे, हमारे फॉर्म निकल जाएंगे 25 तारीख को। 25 तारीख को ये फॉर्म आउट हो जाएंगे, आप वहां पे जाकर ये फॉर्म भर सकते हैं। और क्लोजिंग डेट है 14 अगस्त तक आप इन फॉर्म को भर सकते हैं। 25 जुलाई से ये फॉर्म चालू हो जाएंगे और 14 अगस्त तक आप इसे फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब हम बात करें कि कौन कौन से सब्जेक्ट की कितनी कितनी वैकेंसीज है, ताकि आप उस हिसाब से प्रिपरेशन करें। हमें तो वैसे एक ही सीट चाहिए, सबको प्रिपरेशन करनी है। अगर हम देखते हैं तो बायोलॉजी की जो वैकेंसी है वो 233 है रेस्ट ऑफ द हरियाणा के लिए, और केमिस्ट्री की है 2, कॉमर्स की है 164, इकोनॉमिक्स के लिए है 129 और मेवाट के लिए है 3। इसमें मेवाट और रेस्ट ऑफ द हरियाणा को इन्होंने अलग किया है, तो रेस्ट ऑफ द हरियाणा की तो 129 है और मेवाट की 3 है। और इंग्लिश की अगर हम बात करें तो 174 है, और फाइन आर्ट्स की बात करें तो 12 है रेस्ट ऑफ द हरियाणा एंड मेवाट में 4 है। ज्योग्राफी की अगर हम बात करें तो रेस्ट ऑफ द हरियाणा 116 है और मेवाट में 9 है, और हिंदी की मेवाट में 4 है। होम साइंस की अगर हम बात, हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो रेस्ट ऑफ द हरियाणा की टोटल वैकेंसी है 144 और मेवाट की बात करते हैं तो 21। होम साइंस के लिए वैकेंसी है 48 और मेवाट में है 5। और मैथमेटिक्स की जो वैकेंसी है, काफ़ी अच्छी वैकेंसी है हमारे पास, 414 रेस्ट ऑफ द हरियाणा के लिए, और मेवाट के लिए अलग है जो कि है 42। और म्यूजिक की हम बात करें तो रेस्ट ऑफ द हरियाणा 8 की 4 है, और फिजिकल एजुकेशन रेस्ट ऑफ द हरियाणा 226 और मेवात की 23, और फिजिक्स की रेस्ट ऑफ द हरियाणा 410 एंड मेवाट की है 36। पॉलिटिकल साइंस की है रेस्ट ऑफ द हरियाणा के लिए 283 और मेवाट के लिए है 59। साइकोलॉजी में मेवाट के लिए 1 है और संस्कृत की मेवाट 69 है। सोशियोलॉजी रेस्ट ऑफ द हरियाणा के लिए 38 है और मेवाट के लिए 2 है। उर्दू में 4 और पंजाबी 50। तो टोटल 3069 वैकेंसीज आउट करी है अभी गवर्नमेंट ने। अगर इसका नोटिफिकेशन आउट हो गया है हमारा, और इसके अब हम बात करें एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की, कौन कौन सी क्वालिफिकेशन अगर आपके पास हैं तो आप ये एग्जाम के लिए एलिजिबल हो। तो अगर हम क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं तो सबसे पहले है सारी पोस्ट के लिए कॉमन क्वालिफिकेशन है, मैट्रिक होना चाहिए विद हिंदी और संस्कृत, और 10+2 ट्वेल्थ पास होना चाहिए, बीए और एमए मतलब ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन विद हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। एक सब्जेक्ट आपके पास हिंदी होना चाहिए। सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का, एचटेट आपने पास किया हुआ होना चाहिए ये एग्जाम देने के लिए, या फिर आपने स्कूल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट या एचटेट आपका क्लियर होना चाहिए। या तो आपका एचटेट क्लियर हो या आपका एचटेट क्लियर हो तो आप ये एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो। और एक और है कि अगर आपने बीएड किया हुआ हो और जिस सब्जेक्ट से आपको अप्लाई करना है, जैसे सपोज आपको मैथ्स के लिए अप्लाई करना है, तो आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए मैथ्स सब्जेक्ट में प्लस आपकी बीएड होनी चाहिए, तो ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर हम बात करें कि जो भी हम, और क्या कहा है नोटिफिकेशंस में कि जो भी हम एलिजिबिलिटी दे रहे हैं, जैसे आपका एग्जाम है बीएड पास होनी चाहिए, तो हमारा लास्ट डेट है फॉर्म भरने की 14 अगस्त 2024, तो तब तक आपकी बीएड कंप्लीट हो जानी चाहिए। अगर आपकी बीएड इसके बाद में कंप्लीट नहीं है या कोई भी क्वालिफिकेशन अगर आपकी 14 अगस्त के बाद में अगर आपकी कोई भी क्वालिफिकेशन जो इन्होंने मांगी है अगर वो आपकी 14 के बाद में कंप्लीट होती है, तो आप एलिजिबल नहीं हो वो एग्जाम देने के। तो आपकी 14 तक वो क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो जानी चाहिए। जो भी सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स आप उसमें अप्लाई करते हैं, जैसे कोई भी कास्ट का एससी शेड्यूल कास्ट के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं, या ओबीसी कास्ट के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, तो जिस भी कास्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, किसी भी
क्राइटेरिया में आप अपने आप को डाल रहे हैं कैटेगरी में, तो उसके सर्टिफिकेट आपका कब तक होना चाहिए, उससे पहले का, 14 अगस्त 2024 से पहले का आपका वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद द इम्प्रूवमेंट इन मार्क्स ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट आफ्टर द क्लोजिंग डेट 14 इज पर्पज इन दिस रिक्रूटमेंट, मतलब आपके 14 अगस्त तक आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे वेरीफाई होने चाहिए, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके 14 अगस्त तक कंप्लीट होने चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें कि एग्जाम पैटर्न की, कि कितने पेपर आते हैं, कितने मार्क्स के आते हैं, तो हम उसकी बात करते हैं सबसे पहले पेपर वन की। जो पेपर वन है वो टोटल आपका 100 नंबर का पेपर होगा, 100 नंबर के 100 MCQ आएंगे, होंगे मतलब एक क्वेश्चन एक मार्क का होगा, और जो सब्जेक्ट का सिलेबस है वो आपको इसमें दिया हुआ है, ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, अगर 100 टोटल मार्क्स 100 है और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी 100 है तो एक क्वेश्चन एक नंबर का हो गया, और हर एक क्वेश्चन आपको 5 ऑप्शन दिए जाएंगे, A B C D E E, ठीक है, 5 ऑप्शन तक आपको हर एक क्वेश्चन में ऑप्शन मिलेंगे। इफ अ कैंडिडेट अटेम्प्टिंग क्वेश्चन ही शी शैल हैव टू डार्कन द एप्रोप्रिएट, आपको इनमें से किसी एक ऑप्शन को चूज करना है, अगर आपने एक भी एक क्वेश्चन चूज नहीं किया, अगर मतलब आपको चारों क्वेश्चन नहीं आते, मतलब आपको चारों ऑप्शन सही नहीं लग रहे हैं, तो आप ई को सर्कल कर सकते हैं, अगर आपने पांचों में से एक भी नहीं किया तो आपके 0.25 मार्क डिडक्ट होंगे। इफ नन ऑफ द 5 सर्कल इज डार्क, अगर आपने बिल्कुल अन अटेम्प्ट क्वेश्चन छोड़ा है, मतलब आपने 5 आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, 5 में से एक भी ऑप्शन पे आपने टिक नहीं किया है, तो आपके 1 में से 0.25 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, वो आपके एक नंबर जो आपका सही क्वेश्चन होगा उसमें से 0.25 नंबर काट लिए जाएंगे। उसके बाद एनी कैंडिडेट नॉट डार्कनिंग एनी ऑफ द 5 सर्कल देन 10% ऑफ द क्वेश्चन, अगर आपने 10% से ज्यादा क्वेश्चन में एक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया तो आपको डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा, मतलब आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, चाहे आपको चारों ऑप्शन सही लग रहे हैं तो किसी एक ऑप्शन में या फिर किसी ई में आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, बट अगर आपने 10% से ज्यादा क्वेश्चंस को अनअटेम्प्ट छोड़ दिया तो आपको डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। 1/4 मार्क विल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर, अगर आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है तो आपके 1/4 मार्क्स कट जाएंगे, वो ही 0.25 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे। उसके बाद हम बात करें तो मीडियम की बात करें तो ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज में आएगा आपका किसका, बायोलॉजी केमिस्ट्री होम साइंस मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स का पेपर, बायलिंगुअल मतलब इंग्लिश और हिंदी दोनों में, उसका कॉमर्स इकोनॉमिक्स फाइन आर्ट्स ज्योग्राफी हिस्ट्री म्यूजिक फिजिकल एजुकेशन पॉलिटिकल साइंस साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी, ये सब्जेक्ट आपके दोनों लैंग्वेज में आएंगे। अगर हम बात करें सेकंड पेपर की, जो कि जैसे आपने मैथ से भरा है या फिर बायो से भरा है, तो आपका सेकंड पेपर केवल आपके सब्जेक्ट का पेपर होगा, उसकी अगर हम बात करें तो ये इसका टाइम 3 घंटे का ये हमारा पेपर होता है, टोटल मार्क्स 150 मार्क्स का पेपर होगा, और ये हमको सिलेबस इसमें दिया हुआ है। द मीडियम ऑफ द एग्जामिनेशन विल बी एज अंडर, ओनली इन इंग्लिश लैंग्वेज में है, बायोलॉजी केमिस्ट्री होम साइंस मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स बायलिंगुअल कॉमर्स इकोनॉमिक्स फाइन आर्ट्स ज्योग्राफी हिस्ट्री म्यूजिक फिजिकल एजुकेशन पॉलिटिकल साइंस साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी, और ये द लैंग्वेज सब्जेक्ट, जैसे अब इंग्लिश है तो वो इंग्लिश में ही आएगी ऑब्वियसली, तो इंग्लिश हिंदी संस्कृत उर्दू पंजाबी विल बी इन देयर रेस्पेक्टिव लैंग्वेज, और द नंबर्स ऑफ द कैंडिडेट्स टू बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू विल बी 2 टाइम्स इंक्लूडिंग ब्रेकेटेड कैंडिडेट्स सेमी, और द नंबर ऑफ एडवर्टाइज पोस्ट प्रोवाइडेड दैट दे हैव सिक्योर्ड द मिनिमम कट ऑफ मार्क्स ऑफ 35%, द वेटेज ऑफ द सब्जेक्ट नॉलेज, मतलब आपका जो फर्स्ट सब्जेक्ट है जो आपको केवल क्वालिफाई करना है, जो हमारा फर्स्ट पेपर है वो ओनली क्वालिफाई करना है, और जो हमारा सेकेंड पेपर है उसमें हमको अच्छे मार्क्स लाने हैं, उसके 87.5% उसके मार्क्स इंक्लूड होंगे। फिर हमारा थर्ड होगा इंटरव्यू राउंड, अगर हमारा वो दोनों सेलेक्ट हो जाते हैं अगर हम उसमें, तो फिर इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू का वेटेज है 12.5%। द फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड बाय एडिंग द मार्क्स ऑफ द सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट एंड द इंटरव्यू टेस्ट, जो हमारा फर्स्ट पेपर है वो ओनली क्वालिफाइंग है, हमको केवल उसमें क्वालिफाई होना है, और जो हमारा सेकेंड पेपर है उसमें हमको अच्छे मार्क्स लाने हैं, जो मेरिट बनेगी वो एडिंग द मार्क्स ऑफ द सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट और इंटरव्यू के बेस पे बनेगी, तो इसके लिए हमको अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है।
और स्पेशली फॉर एचपीएससी मैथ्स के लिए 13 अगस्त से रोहित नामा एडवांस मैथ्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपको क्लासेस मिल जाएंगी। अगर आपने ऐप डाउनलोड नहीं कर रखा है तो डिस्क्रिप्शन पे जाकर आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और देखते रहिए रोहित नामा एडवांस मैथ्स क्लासेस। थैंक यू।